दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस रामगढ़ में। दोस्तों यहाँ पर जो है पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए यहाँ पे जो है एक न्यू रिक्वायरमेंट की नोटिफिकेशन जारी की गई है। दोस्तों रिसेंटली में जो है इसकी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे जो है प्रकाशित हुई है। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट जारी की गई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो है पूर्णकालिक जो कि आपका अंग्रेजी भाषा के लिए मैथ्स या फिर रसायन विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान इन सभी में यहाँ पे जो है शिक्षिका की भर्ती की जा रही है। वहीं पे जो है पूर्णकालिक लेखापाल की यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट है, आदेशपाल की यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट है, मुख्य रसोईया या फिर सहायक रसोईया इन सभी के लिए यहाँ पे जो है भर्ती की जा रही है। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करें कि ये रिक्वायरमेंट कहाँ से जो है निकाली गई है, तो यहाँ पे देख पा रहे कि जो झारखंड शिक्षा परियोजना रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट है इसके द्वारा यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट जारी की गई है। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो आवासीय विद्यालय पतरातू है यहाँ पर जो है पूर्णतः जो है अस्थाई एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर जो है आपका चयन किया जा रहा है, जिसमें कि आप मेल फीमेल जो भी कैंडिडेट होंगे इसमें आवेदन दे सकती हैं। आवेदन जो है आपको ऑफलाइन मोड पे यहाँ पे जो है आपको देनी होगी। दोस्तों जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 25 नवंबर 2023 जो है आपका अंतिम तिथि रखी गई है, जो कि निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आपको यहाँ पर देनी होगी। दोस्तों जो एड्रेस आपको यहाँ पे दी गई है यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना जो बुनियादी विद्यालय परिसर गोला रोड रामगढ़ है उसमें जो है आपको देनी होगी। पिन कोड यहाँ पे है 8291 22। इसमें जो है आपको यहाँ पे निबंधित डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आपको सबमिट करना होगा। फर्स्ट में देख पा रहे कि जो अंग्रेजी भाषा दी गई है इसमें जो है टोटल यहाँ पर जो है एक सीटें हैं, एंड गणित के लिए जो है आपका यहाँ पर एक सीटें हैं। जो आपका यहाँ पे जीव विज्ञान दी गई है एवं जो रसायन विज्ञान इसमें भी जो है टोटल आपका यहाँ पे जो है एक सीटें हैं। भौतिकी में यहाँ पे देख पा रहे कि जो सब्जेक्ट दी गई है इसमें भी एक सीट है। सामाजिक विज्ञान में भी जो है एक सीट है। शारीरिक जो शिक्षा की सब्जेक्ट दी गई है इसमें भी एक पोस्ट है। कंप्यूटर जो शिक्षिका की है इसमें भी एक पोस्ट है। पूर्णकालिक जो लेखापाल की पोस्ट है इसमें भी जो है टोटल एक सीट है। सपोर्ट स्टाफ जो कि आदेशपाल एवं रात्रि प्रहरी के लिए इसमें टोटल यहाँ पे जो है दो सीट है। मुख्य रसोईया की पोस्ट है इसमें भी टोटल यहाँ पे जो है एक सीट है। सहायक रसोईया की पोस्ट है इसमें यहाँ पे जो है टोटल यहाँ पे तीन सीटें हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप जिस भी पोस्ट में आवेदन देना चाहते हैं दे सकते हैं अगर आप इसमें एलिजिबल होंगे तो। ये इसका फुल एड्रेस दी गई है, इस एड्रेस में जो है आपको 25 नवंबर तक जो है आपको सेंड करनी होगी जो भी आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशंस रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशंस की बात कर लें तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करते हैं जो कि आपका पूर्णकालिक शिक्षक या फिर शिक्षिका की पोस्ट के लिए जो कि आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे फर्स्ट में देख पा रहे कि जो आपका हिंदी अंग्रेजी इन सभी में अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो आपकी शैक्षणिक अर्हता आपकी रखी गई है तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से जो है संबंधित विषय में जिस भी विषय में आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं लाइक अंग्रेजी भाषा या फिर हिंदी भाषा, तो इसमें जो है आपका न्यूनतम जो है 50% अंकों के साथ यहाँ पर जो है आपका स्नातक की डिग्री यहाँ पर जो है होनी चाहिए। ठीक है, और दोस्तों वैसे कैंडिडेट जो लोग यहाँ पर कक्षा 9 से 10 तक यहाँ के अप्लाई करते हैं उनको यहाँ पे जो है स्नातक के साथ बीएड भी यहाँ पे जो है रखी गई है। एंड जो लोग जो है बीएड या फिर डिप्लोमा दो स्तरीय यानी कि जो है डीएलएड अगर आप कर रखे होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपका क्वालिफिकेशंस रिलेटेड यहाँ पर जो है दी गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो अगर आप कंप्यूटर के लिए अप्लाई करते हैं तो कंप्यूटर के लिए जो है अलग से यहाँ पे आपका BCA होना चाहिए, BSc होनी चाहिए या फिर कंप्यूटर साइंस में जो है आपका NA ग्रेजुएट होनी चाहिए। ये सारी जो है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे जो है रखी गई है। शिक्षक जो पात्रता परीक्षा है उसमें भी जो है आपका यहाँ पर उत्तीर्ण होनी चाहिए, जैसे कि आपका हो गया JTET हो गया ये सभी में जो है आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसमें एलिजिबल होंगे। दोस्तों यहाँ पर जो भी कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट होंगे शिक्षिका की पोस्ट के लिए उनको जो है स्टार्टिंग 15,840 रुपये आपको प्रतिमा वेतन यहाँ पे जो है आपको दी जाएगी। उसके बाद जैसा आपका जो है वर्क यहाँ पे संतोषजनक पाई जाती है तो उसके अनुसार जो है आपका यहाँ पे विस्तार भी की जाएगी। ठीक है दोस्तों, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे शिक्षक के अलावे जो भी यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है जैसे कि आपका लेखापाल हो गया या फिर जो है आदेशपाल इन सभी में अगर यहाँ पे क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे कि जो लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है इसमें आपको अप्लाई करने के लिए जो है BCom यहाँ पे रखी गई है, साथ में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए।
टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन से आपका यहाँ पे कंप्यूटर जो कि एक वर्षीय कोर्स होना चाहिए PGDCA, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में देख पा रहे हो कि टेली सॉफ्टवेयर, ये सभी की जो है आपकी जानकारी होनी चाहिए। हिंदी एवं अंग्रेजी में जो है आपकी टाइपिंग की स्पीड भी आपको अच्छी होनी चाहिए। और इसमें जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको 11,000 यहाँ पे 880 रुपये आपको प्रतिमाह यहाँ पे वेतन दिया जाएगा स्टार्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो सपोर्ट स्टाफ की पोस्ट है जिसमें कि आदेशपाल के लिए, इसमें जो है शैक्षणिक अभिवर्ता जो है ओनली आपका मैट्रिक पास रखी गई है। एंड इसमें जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको स्टार्टिंग में 6,000 प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे बढ़ोतरी भी की जाएगी। रसोईया की पोस्ट है, इसमें 8वीं पास होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 7,200 रुपये आपको प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। सहायक रसोईया की भी पोस्ट है, इसमें 8वीं पास रखी गई है, इसमें भी 5,400 रुपये आपको प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है। एंड जैसा अभी आपका यहाँ पे वर्क में संतोषप्रद यहाँ पे पाई जाती है उसके अनुसार जो है आपको एक्सटेंड जो भी आपका यहाँ पे पेमेंट होगा उससे जो है बढ़ोतरी की जाएगी। तो अच्छी जॉब है, अगर आप एलिजिबल होंगे तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बेरोजगार होंगे तो आपके लिए बेहतर यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी है, जो कि आपका नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय है इसी में जो है आपका यहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। दोस्तों एज की क्राइटेरिया भी आपका यहाँ पे छूट दी जा रही है, तो यहाँ पे देख पर कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो है मैक्सिमम जो है 35 वर्ष रखी गई है, वहीं पे फीमेल के लिए जो है 38 ईयर्स रखी गई है। एंड जो लोग यहाँ पे एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के होंगे उन सभी के लिए 37 ईयर्स रखी गई है। SC ST मेल फीमेल के लिए जो है 40 ईयर्स यहाँ पे एज की क्राइटेरिया रखी गई है। एंड जो अपर एज में आरक्षण लेना चाहते हैं उनको यहाँ पे जो है मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप ले सकते हैं। आवेदन आपको यहाँ पे कैसे करने होंगे, तो मैंने आपको एड्रेस बदलाई दी है। इस एड्रेस में जो है आपको 25 नवंबर से पहले जो है आपको यहाँ पे भेजनी होगी। जो भी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो आपका डिटेल्स होगा, एक्सपीरियंस होगा, जो JTET पास किए होंगे उसका जो प्रमाण पत्र होगा, उन सभी को जो है आपको अटैच करके जो है इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको साथ में संकलन करके भेजनी होगी। दोस्तों यहाँ पे देख पाओ कि जो बदला गया कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को जो है अनिवार्य रूप से जो है आवेदन में लिफाफे के ऊपर जो है लाल रंग के मोटे अक्षर से जो है आवेदित पद यानी कि आपकी इस पोस्ट के लिए आवेदन देते हैं उसका नाम एवं कोटि जो है आपको अंकित करना होगा। आवेदन जो है स्वीकार करने की जो स्थिति यहाँ पे बताई होगी तो उस डेट से पहले ही जो है आपको वहाँ पे देनी होगी। दोस्तों इसके साथ जो है आपका 23x10 सेंटीमीटर का जो सोपता लिखा हुआ जो लिफाफा होगा उसको पहले आपको लेनी है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र होगा, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जो JTET पास किए होंगे उसका प्रमाण पत्र, इन सभी का जो है छाया प्रति जो है आपको संकलन करना होगा। अगर आप आरक्षित श्रेणी से आते हैं तो उनका जो है जाति प्रमाण पत्र आपको इसमें भी देना होगा। एंड साथ में जो है आवासीय प्रमाण पत्र आप कहाँ से हैं वो भी जो है इसके साथ आपको संकलन करना होगा। तो ये इसका एप्लीकेशन का फॉर्म है, सबसे पहले आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं जो है इसका फॉर्म जो है आपको टेलीग्राम चैनल में जो है शेयर कर दूंगा, तो आप इंटरेस्टेड होंगे तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। देन जितने भी सारे यहाँ पे जो डिटेल्स दी गई है, लाइक यहाँ पे आप किस पोस्ट के लिए आवेदन देना चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट के लिए, वो आपको यहाँ पे भरनी होगी। देन यहाँ पे जो है आपका जो रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो आपको चिपका लेनी है। उसके बाद आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से होंगे वो आपको यहाँ पे देनी होगी। नेम ऑफ द एप्लीकेंट यहाँ पे आपका नाम देनी है। एंड आपका फादर्स नेम, हस्बैंड नेम आपको यहाँ पे देनी होगी। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो है देना है। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा वो इसमें जो है आपको फिल कर लेना है। जो एड्रेस ऑफ कॉरेस्पेंडिंग होगा वो आपको यहाँ पे देनी होगी। आप मेल फीमेल होंगे, कौन से कैटेगरी से है, लाइक ST SC BC1 BC2 UR या फिर EWS, वो आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो आपको देना होगा, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपको देनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे देना होगा। टीचर ट्रेनिंग अगर आप किए होंगे तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि जो आप JTET पास किए होंगे उसका यहाँ पे सभी ब्यौरा आपको इसमें देनी होगी, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे जो है भर लेनी है। लास्ट में आपको यहाँ पे जो है डेट प्लेस एंड सिग्नेचर आपको यहाँ पे जो है खुद से कर लेना है। उसके बाद जो ऊपर में एड्रेस दी गई थी उस एड्रेस में जो है आपको 25 नवंबर 2023 से पहले जो है आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों बस यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करनी थी। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, और अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें।